Hi everyone, I'm Sumit Kumar Singh. Welcome to Dethiman Public School Online Education Center. Today is 21st April and I'm going to discuss today's homework. First of all, I will check from class 1. And this video, I'm complete discussion of homework from class 1 to 8. So please watch all video. And please like, subscribe, share and comments, please. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कोई भी चीज आपको स्कूल के चैनल पे डाला जाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास वन, क्लास वन का इंग्लिश का होमवर्क देखते हैं या कॉमन नाउन। तो हर एक क्लास के आपका ये ग्रामर में दिया नाउन, नाउन का टाइप, प्रोनाउन, प्रोनाउन का टाइप, तो इस पे एक कल वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें नाउन और नाउन से रिलेटेड जितने भी उसके पार्ट्स हैं या प्रोनाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी उनके पार्ट्स हैं। फिलहाल ऐसे आपको थोड़ा सा हिंट दे करके बता दे रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर कॉमन नाउन आर नेम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग। कॉमन नाउन बोल रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर थिंग होते हैं, एक जैसा वस्तु होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है देयर आर 12 गर्ल्स इन माई क्लास, देयर आर 12 गर्ल्स इन माई क्लास, मतलब कि मेरे क्लास में कितनी लड़की है, 12 लड़की है। तो लड़की क्या हुआ, एक ग्रुप हुआ ना, किसी कोई एक तो लड़की नहीं है, 12 लड़की है, इसलिए एक ग्रुप में हुई 12 लड़कियां। द गर्ल इज अ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस, ओके। तो आपको क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन, फर्स्ट इज डन फॉर यू। एक आपको करके दिखा दिया है कि यस्टरडे इज माई हॉलीडे, कल मेरा छुट्टी था, ठीक है। तो हॉलीडे में क्या होगा, कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट आपको दे रहा है वी वेंट टू द जू लास्ट वीक, इसमें कॉमन नाउन आपका जू हो जाएगा, ठीक है, कि हम लोग लास्ट वीक मतलब कि अंतिम सप्ताह में कहाँ गए थे, जू गए थे, चिड़ियाघर गए थे। वी से मेनी एनिमल्स, वहां हम लोग बहुत सारे जानवर देखे, इसमें एनिमल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कॉमन नाउन पहचान करके, ठीक है। दे ऑल वेयर इन केजेस, तो केजेस हो जाएगा, ठीक है। वी से टू जिराफ एंड देयर बेबीज, ये आप आराम से पहचान, जिराफ तो जिराफ तो एक ग्रुप में है ना, दो जिराफ अकेले तो नहीं है ना, एंड देयर बेबीज भी उसके साथ में है, तो जिराफ क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। द एलिफेंट वे आर टेकिंग बाथ, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का क्या था, झुंड था, समूह था, इसमें एलिफेंट हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कीजिए, इसके बाद प्रॉब्लम हो तब हमसे पूछिए। इसके बाद हम लेते हैं आपको हिंदी का क्लास वन के लिए, इसलिए बताना थोड़ा जरूरी होता है, ये वर्क कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन बताना जरूरी होता है इसलिए बता दिया जा रहा है। ए और ए की मात्रा है, ए की मात्रा जैसे सब में ए की मात्रा लगे तो सेव हो जाएगा, और उसको जो यहाँ पे पिक्चर दिया है उससे हम मिला देंगे, ठीक है, सेब को, फिर सपेरा को सपेरा से मिला देंगे, ऐसे करके आप कर सकते हैं। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बच्चों को होमवर्क बनाने में हेल्प करें, आप जितना हेल्प कीजिएगा बच्चों को उतना समझ में आएगा और उतना जल्दी बच्चे होमवर्क बना लेंगे। फिर नीचे ए, ए की मात्रा है जैसे थैला है, ठीक है, तो थैला को वहां पे क्या लिखा है, थला लिखा है, तो थला में ए नहीं ए की मात्रा लगाएं, क्योंकि ऊपर आपको ए की मात्रा सिखा दिया गया है, नीचे ए की मात्रा, तो था में ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थैला हो जाएगा, तो आपका थैला हो जाएगा, यहाँ पे ए की मात्रा हो गया और वहां पे ए की मात्रा हो गया। फिर ऐसे बैल हो जाएगा, नैन हो जाएगा, पैर हो जाएगा, सैनिक हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं ए की मात्रा लगा करके और सबको सबसे मिला दीजिएगा। आगे देखते हैं मैथ्स का होमवर्क है, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें करना क्या है, एक इसमें आपका वर्क दे रहा है अलग से कि डॉट लाइन बगल में खींचना है, जैसे 6 है 2+4 करके तो दे दिया है, 2+4 नीचे 6 आ जाएगा, तो 2 के बगल में 2 डॉट लाइन खींचा है, स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा लाइन, फिर 4, वैसे ही बगल में 6 के बगल में 6, किस लिए, सिर्फ पहचान के लिए, बच्चे को ऐड आसानी से आ जाए। आई होप क्लास 1 के बच्चे सारे इस ऐड को बहुत इजी वे में कर लेंगे। नेक्स्ट आपको अब क्लास 2 का आगे, ठीक है, क्लास 1 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ ही था, और जो वर्क है वो याद करने के लिए आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में,
ठीक है। अब क्लास टू का इंग्लिश देखिए, इसमें भी देखिए सबसे पहले वही आ रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रॉपर अंडरलाइन द प्रोनाउन। इसमें भी बोला है सेंटेंस को पढ़िए और प्रोनाउन को अंडरलाइन कीजिए, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब ये सब जो भी है ना। और क्लास वन में तो आप लोग पढ़े हैं नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। मतलब कि हिंदी में भी आपका प्रोनाउन के बारे में चर्चा, देखिए एक सेकंड मैं इसको बताऊंगा, पहले हिंदी भी देखिए तुरंत आप ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें दिया है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। किसके स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे। एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, हम तुम मैं वह हमारा अपना उनका आदि, ठीक है। अब पीछे आते हैं, देखिए तो बोला है दिस इज माई बुक, या किसका बुक है, मेरा बुक है। मेरा कुछ नाम भी तो हो सकता है, तो मेरे नाम के बदले में माई लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोनाउन माई हो जाएगा, ठीक है। ही इज सौरभ, तो सौरभ के बदले में, सौरभ के लिए वहां पे ही का यूज हुआ है, इसलिए उसमें क्या हो गया, ही हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे समझा दिया गया था कि हम तुम मैं वह हमारा अपना उनका, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोनाउंस में आता है। आगे देखिए, आई होप अगला भी आप कर सकते हैं, ही इज द बॉय हू इन द रेस, या वही लड़का है जो रेस पे जीता था। आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूँ। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, वे लोग लुक्का छिपी खेल रहे हैं। अगला बी नंबर में दे रहा है कि विथ द हेल्प ऑफ द पिक्चर कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय स्पीकिंग आउट ऑफ द प्रोनाउन। ये हेल्प दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स में आपका वर्ड दिया हुआ है और ये कंप्लीट करना है। जैसे एक नंबर में डैश बॉक्स, इट बॉक्स होगा कि वी बॉक्स होगा कि यू बॉक्स होगा, आप ऑप्शन से चूज करके कर सकते हैं, क्योंकि फिगर भी दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। नहीं हो तो आप हमसे पूछिएगा, क्योंकि पहले ही बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नंबर सी में तेरा रिराइट इट सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द हाइलाइटेड वर्ड और वर्ड विद अ पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन की बात है, मतलब कि खुद के बारे में। ऐसे ईसा वेंट टू द मार्केट, ईसा कहाँ गई, बाजार, तो ईसा खुद के लिए आई कर सकती, आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। और दूसरी बात है कि पर्सनल प्रोनाउन आप लोगों को बताया नहीं गया था क्लास वन में, इसलिए आप लोग से अगर बन जाए तो बना लीजिए, क्योंकि तुरंत समझाने पे नहीं बना सकते, ये हम समझ सकते हैं, ठीक। इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा, ए और बी इसका बनाइएगा, नंबर सी जिससे बन जाए जरूर बनाइएगा, ठीक है। जब समझा दिया जाएगा तो इसको फिर से होमवर्क में आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्लास टू के होमवर्क में, हिंदी में है। हिंदी का देखिए अभी जो बताए, और लगभग आपको क्लास थ्री में भी प्रोनाउन के बारे में आज चर्चा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रोनाउन डेट मीन सर्वनाम, तो सर्वनाम का डिफिनेशन क्या दे रहा है हिंदी में, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हम तुम, हम मतलब क्या, मेरे नाम के बदले में हम आ रहा है, तुम आपके नाम के बदले में, तुम्हारे नाम के बदले में तुम आ रहा है, मैं वह हमारा अपना आदि, ये सब कुछ है। और ये जो एग्जाम्पल दिया है बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, ये आप कर सकते हैं, ठीक, कि मुझे वासुड़ी दे दो, ठीक, अब मेरे को वासुड़ी दे दो, दोनों में सही शब्द कौन सा है, बिहारी टोन नहीं देखना है इसमें, ठीक है, मुझे वासुड़ी दे दो। ख में दे रहा है मैं हमको घर जाऊंगा, नंबर दो में क्या दे रहा है, मैं अपने घर को जाऊंगा, तो मैं हमके घर को जाऊंगा यही सही शब्द है, नहीं ना है, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे और मैं अपने घर को जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, उसको सही कर दीजिएगा। नंबर दो मेरा निम्नलिखित शब्द, ये जो सर्वनाम दिया हुआ है, हमारा, तुम्हें, मुझे, किसने, इससे क्या करना है, वाक्य बनाना है, जो कि आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। ऐसे हमारा है तो क्या कर देंगे, हमारा देश महान है, ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको उदाहरण देखिए और उसके अनुसार सर्वनाम शब्द के भिन्न भिन्न रूप को देखिए। ऐसे कि मैं, ठीक, इसके सर्वनाम में मैंने, मेरा, मुझे, फिर है तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हें, हम, हमारा, और ये सारे तरीके से आप उसका सर्वनाम लिख सकते हैं, सब हम बता ही देंगे, तो आप क्या कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका, अब ये आ गया मैथ्स का होमवर्क, ठीक है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, समझ लीजिएगा एकदम केयरफुल्ली, बी केयरफुल्ली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके।
एडिशन स्टोरीज है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। नंबर है, अ मोबाइल स्टोर सोल्ड 138 फोन्स इन द फर्स्ट मंथ एंड 343 फोन्स इन द सेकेंड मंथ, हाउ मेनी फोन्स वेयर शुड सोल्ड इन द टू मंथ। मतलब कि एक मोबाइल स्टोर का दुकान है, ठीक है, एक मोबाइल स्टोर है, वो 138 फोन एक महीने में बेचता है, पहले मंथ में, और दूसरे मंथ में 343, मतलब कि 138 फोन एक मंथ में अपने दुकान जब स्टोर खोल रहा है तो पहले महीने में वो 138 फोन को सेल करता है, और सेकेंड मंथ में 343 फोन को सेल करता है। तो हाउ मेनी फोन वेयर सोल्ड इन द टू मंथ, तो दोनों मंथ को मिला के कितना फोन सेल हुआ, तो 138 प्लस 343 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा। नंबर बी देखते हैं, अ हेल्थ क्लब हैड 550 मीटर, अ हेल्थ क्लब हैड 550 मेंबर्स, 126 मोर पीपल ज्वाइंड देम, हाउ मेनी मेंबर्स डज द हेल्थ क्लब नाउ हैव। एक हेल्थ क्लब था, ठीक है, जिसमें 550 मतलब कि 550 मेंबर ऑलरेडी पहले से थे, और उसमें फिर से 126 मेंबर ज्वाइनिंग किए, जुड़ गए उसमें, तो टोटल कितने हुए, तो 550 प्लस 126 कर देंगे तो टोटल का पता चल जाएगा। नंबर सी देखते हैं, इन अ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, एक दिन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि इंडिया स्कोरेड 325 रन एंड इंग्लैंड स्कोरेड 298 रन, इंडिया उसमें 325 रन का स्कोर किया जबकि इंग्लैंड 298 रन का, हाउ मेनी रन डिड बोथ टीम स्कोर इन ऑल, तो दोनों टीम मिलाकर कितना रन बनाया, तो 325 प्लस 298 करेंगे। नंबर डी को देखते हैं, देयर आर थ्री बैग, वहाँ पे तीन ठो बैग है, फर्स्ट बैग कंटेन 236 पेंसिल, एक बैग में 236 पेंसिल, सेकेंड बैग हैज 100 पेंसिल, दूसरे बैग में 100 पेंसिल, एंड थर्ड बैग हैज 68 पेंसिल, और तीसरे बैग में 68 पेंसिल। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल आर देयर इन द थ्री बैग, तो तीनों बैग में कितना पेंसिल हुआ, तो 236 प्लस 100 प्लस 68, तो आपको तीनों को प्लस कीजिएगा तो पता चल जाएगा। अगला देखते हैं, ये आपका जीके से है, ठीक है, किस टेस्ट है, आप इसको बनाइएगा, हम सबका हिंदी में समझा दे रहे हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बता सकते हैं भारत की राजधानी कौन सी है, कहाँ है, ठीक है। विच इज द सिटी ऑफ सिटी इज फेमस फॉर ताजमहल, ताजमहल के लिए कौन सा सिटी फेमस है। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। वेयर इज द रेड फोर्ट लोकेटेड, वेयर इज हवा महल लोकेटेड, वेयर इज द राष्ट्रपति भवन लोकेटेड, वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल बिल्ड, वेयर इज द फेमस कुतुब मीनार लोकेटेड, वेयर इज द फेमस रॉक गार्डन बिल्ड, एंड वेयर इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड। ये सारे चीज आपको बताने की, ये सब चीज कहाँ पे है। अगला देखते हैं इंग्लिश का, देखिए, फिर इसमें प्रोनाउंस के बारे में आ गया, यूज प्रोनाउंस फॉर द कलर्ड वर्ड एंड आंसर द आंसर विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। इसमें भी प्रोनाउंस बोले थे ना, किसी नाउन के बदले में आता है, तो नंबर वन में पूछ रहे कि व्हाट इज अविका डूइंग, मतलब अविका क्या कर रही है, तो अविका किसका नाम है, यहाँ तो कोई प्लूरल दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, तो अविका यहाँ पे पेड़ लगा रही है, तो लिखिएगा सी इज प्लांटिंग ट्री, ठीक है, अविका एक पेड़ लगा रही है। उसी तरीके से दूसरा है, वेयर डज अबीर अंकल लिव, अबीर के अंकल चाचा कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो क्या लिखिएगा, अबीर के अंकल के बदले में प्रोनाउन का यूज करना है, तो लिखिएगा ही लिव इन, होम लिखिए, विलेज लिखिए, टाउन लिखिए,
जो लिखना है, बट इसमें मेन प्रोनाउन है आपको, ठीक है। अगला आप फिर कर सकते हैं कि वेयर शुड अरिजीत कीप हिज बुक, अरिजीत अपने बुक कहाँ रखता है, तो यहाँ पे अरिजीत के बदले में कीजिएगा ही कीप हिज बुक इन बैग। व्हाट इज अंबिका डूइंग, अंबिका क्या कर रही है, देख रहे हैं, अंबिका वॉशिंग बाथ हैंड, अंबिका अपना हाथ धो रही है, वॉश योर हैंड, हाथ धो रही है अपना। नंबर बी में है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ही सी इट वी और दे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ही है, सी है, इट है, वी है और दे है, इसी में से चुन के आपको भरना है। एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप कीजिएगा। आई मेट डेविड, मैं डेविड से मिला, डैश वाज एट द मैजिक शो, ठीक है, वो कहाँ था उस समय, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है, ही सी इट वी और दे में से क्या भरेंगे, इसमें सी तो भरेंगे नहीं क्योंकि डेविड एक प्लूरल है, ठीक है, मेल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ही भरेंगे, आई मेट डेविड ही वाज एट द मैजिक शो, ठीक। अगला एक और बता दे रहे हैं कि डेविड एंड मोहन वेयर टुगेदर, दैट्स आर गुड फ्रेंड, तो डेविड और मोहन दोनों के लिए प्रोनाउन का यूज करना है, तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, दे आर गुड फ्रेंड, आगे आप कीजिएगा, प्रॉब्लम होता आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। और आप सेटलमेंट पब्लिक स्कूल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आगे देखिए, ये है आपको निम्नलिखित चिन्हों को पहचान कर उनको संज्ञा के प्रकार के अनुसार लिखिए, ठीक है, संज्ञा के प्रकार, जैसे कि इसमें आपको व्यक्तिवाचक, ठीक है, संज्ञा के जितने ही प्रकार होते हैं, नाउन के जितने प्रकार होते हैं ना जी, वो सारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे प्रकार के यहाँ पे दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक, ठीक है, जो भी है, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, वो सब आप देखिए और इसमें पहचानिए ये कौन व्यक्तिवाचक विशेष है और उसका यहाँ पर लिखिए, सिर्फ संज्ञा का प्रकार लिखना है, अगर नहीं बने तो आप हमसे पूछिए, ये आसान है इसलिए इसमें बताना जरूरी नहीं। अब मैथ का है जो कि आप कर सकते हैं, ऐड है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ईवीएस, ईवीएस से आपको बता दें कि पुट द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन द प्रॉपर कॉलम ऑफ द टेबल, एक यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है और कॉलम में देख करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है और कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब क्या खाइएगा तो आपका बॉडी बनेगा, क्या खाइएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको बॉडी बनाना है तो चिकन खाइए, मटन खाइए, एग्स खाइए, ठीक है, और अगर आपको एनर्जी लेना है तो राइस, वेट, पोटैटोज, एग्स दोनों में आता है, ठीक है, एनर्जी में भी आता है और बॉडी बिल्डिंग में भी आता है, ठीक। आगे आप बनाइएगा। नेक्स्ट नंबर बी में दे रहा है कि ग्रुप द फॉलोइंग फूड आइटम मेड अप ऑफ राइस एंड वेट, ये दिए हुए हैं ग्रुप में, सारे वर्ड दिए हुए हैं, तो कौन सा चीज राइस से बनता है या कौन सा चीज वेट से बनता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप लोग बना सकते हैं। ब्रेड है, इडली है, पूरी है, पुलाव है, उपमा है, डोसा है, चपाती है, बिरयानी है, कौन सा चीज किससे बनता है, आप इसको नीचे लिख दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, ठीक ना, ये तो आप बनाना है, आप बनाइएगा तब आपका थोड़ा, इसमें जो जंग लगा हुआ है COVID-19 के छुट्टी में निकलेगा, ठीक है, अगर नहीं बनेगा तब हमसे पूछिएगा, एकदम पूछिएगा, जरूर पूछिए, आप लोग पूछते नहीं है, ठीक है, आप जरूर क्वेश्चन पूछिए, आपको बताया जाएगा। खैर समझा दे रहे, एक तो बोल रहा है कि इफ यू राइट द नंबर 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स वुड द नंबर 6 अपीयर, ठीक। नंबर 2, हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 1 आवर, ये भी है ना। द सम ऑफ द एज ऑफ अमित
एंड रवि इज 68 ईयर एंड देन डिफरेंस इज 40 ईयर, व्हाट आर देयर एजेस। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग से नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश कीजिएगा जरूर, नहीं बनेगा तब पूछिएगा। नंबर फोर, फिलिंग द मिसिंग नंबर। ठीक, ऐसे कि एक आपको करके बता दिया, दो करके बता दिया, तीसरा में बोल रहा है कि उसमें क्या होगा, ठीक है ना। और बी और सी में भी वही हो रहा है, इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ये आपको सर्च करना है। ठीक, नहीं तो आप हमसे पूछिएगा। इसीलिए इस बार से अलग से एक रीजनिंग का बुक लगा दिया गया है, ताकि बच्चों को आगे चल के कॉम्पिटिशन की तैयारी करने में दिक्कत नहीं हो। क्लास वन से ही इसीलिए इस बार से रीजनिंग लगा दिया गया। आगे देखते हैं, अब अगले क्लास की बारी आ गई। अब आपका क्लास फोर है, इसमें देखिए काइंड्स ऑफ नाउन दे रहा है। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में इसमें दे रहा है। कॉमन नाउन क्या कर रहा है, कॉमन नाउन सा नेम गिवेन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग और द सेम क्लास ऑफ काइंड। इसके एग्जांपल में क्या दे रहा है कि द मेन, व्हाट, द प्लेयर, द हॉर्स, वेयर इन द स्टेबल। इसमें दो चीज आपको कॉमन नाउन हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया, मेन एंड प्लेयर हो गया। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक यही भरना है, फिलिंग द ब्लैंक विथ मोस्ट एप्रोप्रिएटेड अप्रोप्रिएट कॉमन नाउन फ्रॉम द ब्रैकेट। एवरी हाउस हैज अ एंट्रेंस, इसमें ऑप्शन दो दिया है, रोड और डोर। एवरी हाउस हैज अ एंट्रेंस, हर एक घर के लिए प्रवेश के लिए रोड ही रहता है कि द्वार रहता है, घर के प्रवेश के लिए द्वार रहता है, दरवाजा रहता है, तो दरवाजा होगा। द स्टॉकेड 3 ड्रम्स ऑफ फ्रेश मिल्क होगा कि वाटर होगा, आप बताइएगा। द डैश एंटर्ड द ट्रैप टू द ईट द चीज, माउस या कैट, किसने खाया, माउस खाया या कैट खाया। देयर वाज अ डैश हैंगिंग फ्रॉम द नीडल, ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन आपको समझा दे रहे हैं, प्रॉपर नाउन आर नेम्स ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। कल भी बता दे प्रॉपर नाउन के बारे में, जैसे कि राम इज अ बॉय, बॉय तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी खास को बोल रहे हैं, ठीक। तो इसमें राम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। दिल्ली इज द बिग सिटी, इसमें खास दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं, पार्टिकुलर प्लेस है ना जी दिल्ली, तो इसमें क्या हो गया, दिल्ली हो गया। उसके बाद देखते हैं नेम देम, पार्टिकुलर चीज का इसमें पूछा है। अ मंथ विथ 31 डेज, पार्टिकुलर किसी एक मंथ का नाम बताना है जो 31 डेज का हो, ठीक, तो भर दीजिएगा, आपको पता होगा। द मंथ हुज नेम्स बिगिंस विथ जे, तो जे से आपको पता होगा कौन कौन सा मंथ है, उसका नाम लिख देना है। अ मंथ ऑफ मानसून बिगिन विथ ए, मानसून के बारे में पूछ रहा है, उसका नाम भी कौन सा है जिसका मानसून का नाम ए से स्टार्ट होता है, लिख दीजिएगा। द डे ऑफ द वीक दैट इज अ होलीडे, द डे सप्ताह में कौन सा एक दिन होता है जिसको होलीडे मनाया जाता है, आपको पता है। द डे ऑफ द वीक दैट बिगिंस विथ एफ, सप्ताह में कौन सा दिन है जो एफ से शुरू होता है, आप बना दीजिएगा उसको। द डे ऑफ वीक इंक्लूडेड इन द वीकेंड, अब द डे बताइए जिसमें इंक्लूडेड हो वीकेंड, मतलब कि छुट्टी के दिन, तो सैटरडे संडे होता है, उसको भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं, हिंदी का है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो दो आपका इसमें बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आप खोज करके कर सकते हैं, एक में से पुलिंग छाटना है, एक में से स्त्रीलिंग छाटना है। जैसे कि आप इसमें लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या दिया, शिक्षक, शिक्षक, ठीक है, आपको इसमें शिक्षक दिया हुआ है, तो ये आपका पुलिंग हो गया। और अगर आप स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका नानी दिख रही है, नानी, इस तरीके से आप इसको खोज लीजिएगा, ठीक है। और नीचे वाला जो मिलाना है उसको तो आप मिला ही सकते हैं। आगे देखिए, ऐड है, ये बहुत आसानी से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकता है,
लेकिन केयरफुली बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. द नेम ऑफ सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैव बीन गिवन इन द वर्ड सर्च. वेल नो, इन सर्किल देम एंड लेबल द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर. जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है ट्रम्पेट. अब ट्रम्पेट आपको, हमको तो दिख गया है ट्रम्पेट, आपको भी दिख गया होगा ट्रम्पेट, आपको हम ट्रम्पेट बता दे रहे हैं. ये देखिए यहाँ पे टी आर यू एम पी ई टी, ये ट्रम्पेट हो गया, ये हो गया आपका ट्रम्पेट, ठीक ना. इसके बाद आपका एक और चीज हमको दिख रहा है एक्सोफोन. ठीक, एक्सोफोन एकदम ट्रम्पेट के नीचे है यहाँ पे, एक्सोफोन ट्रम्पेट के नीचे है यहाँ पे, ए एक्स ओ पी एच ओ एन ई, ठीक है. और एक्सोफोन कौन सा है, ये है आपका एक्सोफोन, ठीक है. इस तरीके से आप सब ढूंढ सकते हैं, ठीक, और ढूंढ करके इसको भी आप बनाइएगा. कोई दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा हमसे, आपको बताया जाएगा. और ये आपका इजेस्ट है कि हैव यू ऑब्जर्व एनी प्लांट इन योर कम्युनिटी, वेयर डज इच प्लांट लिव, गिव एग्जाम्पल इन द एप्रोप्रिएट गिव ग्रुप वेलो. ऐसे प्लांट दैट लिव ऑन लैंड, वैसे प्लांट का नाम बताना है जो लैंड पे होता है. प्लांट दैट लिव इन वाटर, वैसे प्लांट जो पानी में उगते हैं, पानी में रहते हैं. प्लांट दैट लिव इन द डिजर्ट, डिजर्ट में होते हैं. प्लांट दैट ग्रो इन हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं. उन सबका बताना है नाम, चार चार नाम लिखना है सबका. नंबर बी में वही दे रहा है नेम दिस प्लांट, पिक्चर दिया हुआ है, आप आसानी से सबको पहचान रहे और लिख सकते हैं. आई होप नो एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट, दिस इज होमवर्क फ्रॉम 5 to 8. इसमें आपका पूछ रहा है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस आपको बताया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बताया गया है, फिर भी एक बार आपको समझा दिया जा रहा है. ठीक, कि एक्सप्रेस अ कमांड एन इंस्ट्रक्शन अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस दे एंड विद अ फुल स्टॉप. ठीक, एक होता है आदेश और एक होता है निर्देश, ठीक है ना. तो कमांड मतलब हो गया आपका आदेश, इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन मतलब हो गया आपका निर्देश, रिक्वेस्ट मतलब किसी से आप विनती कर रहे हैं, एडवाइस मतलब आप किसको सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना. जैसे इसमें बोल रहा है कि गेट अप द क्लास, ठीक, ये आदेश दिया जा रहा है. चेरी ट्राई द अदर की, फिर रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि प्लीज गेट मी, गेट यहाँ पे गलत हो गया, गिव होगा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक ग्लास मुझे पानी दीजिए. एडवाइस सलाह क्या दे रहा है, यू शुड नॉट स्टैंड इन द सन फॉर टू लॉन्ग, सूरज के सामने आपको ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए. तो ये सब किसमें होता है, इम्परेटिव सेंटेंस आपको ये सब सूचित करता है. आदेश हो गया, निर्देश हो गया, विनती हो गया, सलाह हो गया, मतलब कमांड इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट एडवाइस. ठीक, और इसकी सबसे खासियत ये है कि इसका जो अंतिम होता है वो किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है, क्वेश्चन मार्क से नहीं होता है. क्योंकि पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था क्वेश्चन का डिटेल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो 20 अप्रैल का होमवर्क में आपको बताया गया था. अब देखिए, द सब्जेक्ट इन इम्परेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज यू. ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखिए. एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर और लॉस. द एंड, दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क आपको इसमें दिखाया जा रहा है, कैसा एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है. और एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पहले भी बताया जा चुका है, आई होप इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इसका ये कि बिगिन विथ इंटरजेक्शन दैट इज फॉलोड बाय अ एक्सक्लेमेशन मार्क. इस सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है इंटरजेक्शन से होता है, लेकिन इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. जैसे हुर्रा, वी ऑन द मैच, मतलब ये खुशी की इजहार कर रहा है कि हम लोग मैच जीत गए, ठीक है. उसी तरह डैम, यू ब्रेक द वासे अगेन. अब इसमें क्या एंगर है, गुस्सा है कि तुम वासे, फूल, वासे जो होता है फूल रखने वाला, उसको तुम फिर से एक बार तोड़ दिया.
व्हाट इज प्लीजेंट सरप्राइज, किसी को सरप्राइज दीजिए, वो हो गया। आई वॉज स्केर्ड, वो डरा हुआ था। आई फेल्ट इन रेस्ट, सॉरी आई फेल्ट इन द टेस्ट, तो उसको जब टेस्ट क्लास में जो टेस्ट होता है ना उसमें क्या हुआ, वो फेल हो गया, तो शॉक हो गया, चिंतित कर गया। तो डी में यही करना है कि यूज द गिवन वर्ड टू फ्रेम इम्परेटिव सेंटेंस, स्टेट वेदर द सेंटेंस इज रिक्वेस्ट एंड एडवाइज कमांड और इंस्ट्रक्शन। ऐसे कि आपका 10 एग्जांपल दिया है, कोल्ड है, कार है, बेड है, व्यूड है, लाउड है, नॉइज है, सर्व है, शार्प है, इससे वैसा ही आपको एक इम्परेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको कमांड दर्शाया गया हो, इंस्ट्रक्शन दर्शाया गया हो, रिक्वेस्ट दर्शाया गया हो या फिर एडवाइस दर्शाया गया हो। नंबर ई में है फ्रेम एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विथ एनी फाइव ऑफ द गिवन इंटरजेक्शन। इसमें फाइव है, ऑप्शन में आपको इंटरजेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप इंटरजेक्शन ऊपर एग्जांपल देखे ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, हुर्रे वी वन द मैच, इस तरीके से आप कोई भी पांच इंटरजेक्शन का यूज करके आप पांच एग्जांपल इसमें बनाइएगा। अगला देखिए, हिंदी का है सर्वनाम, आप बना सकते हैं सर्वनाम का उचित रूप लिख के वाक्य पूरा किया, डैश एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। तो वहां पे ऑप्शन में हम है, तो क्या हम एक दूसरे के साथ चलना चाहिए? नहीं, हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, उस तरीके से आप बात बाकी उसमें कर लीजिएगा। नंबर दो में है कि दिए गए सर्वनाम शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान में भरिए, डैश रीता और मीता को बुलाया है, ये ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, उन्होंने रीता और मीता को बुलाया है, लगता है कि पानी में डैश गिर गया, लगता है कि पानी में कुछ गिर गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। टू इजी, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। देखिए ये एकदम भाषा में दिया हुआ है कि हमें तुम्हारा काम स्वयं करना चाहिए, क्या ये वर्ड सही है, शब्द सही है, नहीं ना, तो इस शब्द को आप सही कीजिएगा। आगे देखते हैं जो कि आपका मैथ से है, बहुत आसान आसान मैथ आपको जा रहा था, आज का मैथ बनाइए, कोई आज का उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, फिर भी थोड़ा मजा तो आएगा। नंबर वन, द प्रोडक्ट टू नंबर इज 540, इफ वन ऑफ द नंबर इज 36, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। दूसरा, एट द लार्जेस्ट 7-digit नंबर टू द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर। लार्जेस्ट 7-digit नंबर और स्मॉलेस्ट 7-digit क्या बोलते हैं, 6-digit नंबर, दोनों को 7 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या और 6 अंकों का छोटा से छोटा संख्या, दोनों को लेकर के जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। और एक नंबर में क्या कीजिएगा, पहले कि डिवाइड कर दीजिएगा 540 को 36 में, ठीक, और जितना आएगा फिर उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 36 में, तो आपका आंसर मिल जाएगा। नंबर ई में है रीता मैक्स 450 पेपर बैग इन अ डे, ठीक। मैं आपको ऐसे मोटे तौर पर समझा दे रहा हूँ, ठीक ना, अगर नहीं बने तो आप पूछिएगा हमसे, क्योंकि पहले ही समझा देंगे तो फिर आपको बनाने में मजा नहीं आएगा। रीता मैक्स 450 पेपर इन अ डे इन हर फैक्ट्री, हाउ मेनी पेपर बैग कैन द सी मैक्स इन, एक दिन में 450 पेपर बनाती है फैक्ट्री में, तो 365 दिन में कितना बनेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको क्वेश्चन थोड़ा राउंड करके दिया जा सकता है कि हाउ मेनी पेपर बैग सी कैन मेक इन अ ईयर, ठीक है, और इन अ ईयर के बाद इन अ लीप ईयर, तो या तो ईयर दिया रहेगा या लीप ईयर दिया रहेगा, ये आपका आसान कर दिया 365 कर दिया। तो नंबर फोर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम 924 टू मेक इट एग्जैक्ट डिविजिबल बाई 48। अब बोल रहा है कि कौन सा नंबर 924 में से घटाइएगा कि वो 48 से डिविजिबल हो जाएगा, भाग लग जाएगा। नंबर 5 भी सेम है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 864, कौन सा नंबर 864 में एड कीजिए कि वो 21 से भाग लग जाएगा, ठीक। The cost of a watch is 755.
find the cost of 240 bars. It's easy, you can solve it. अगर कोई भी इसमें से नहीं बने आप हमसे पूछिएगा, बताया जाएगा. वैसे आप लोग बना लीजिएगा. I have believe that computer से है. Label the following components on the MS Word as screen given below. ये स्क्रीन आप अपने कॉपी पे बनाइएगा और सबको लेबल कीजिएगा. क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, कर्सर, सेलेक्ट टेक्सेस, टाइटल बार, वर्क एरिया, रूलर, स्टेटस बार. ओके, नंबर टू में दिया हुआ, सॉरी बी में, राइट द शॉर्टकट कीज फॉर द फॉलोइंग. इन सभी चीजों का आपका शॉर्टकट की लिख देना है. ठीक, आपको याद है? अगर नहीं याद होगा तो आप पूछिएगा, आपको बताया जाएगा. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा. लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अगला है आपका थोड़ा रीजनिंग टाइप का है. ठीक, ऐसे कि बिग बेन, ये कहाँ पे? इंग्लैंड में. द माउंट रुशमोर, ये कहाँ पे? खोजिए. चिल्का क्या है? लेक है. कोसी क्या है? नदी है ना, लिखिएगा. गोदान किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद. प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये किसने लिखा? खोज करके आप बताइए. ठीक है, मैन लंग्स. ठीक है, मैन का क्या होता है? मैन लंग्स. तो फिश का क्या होता है? जो गल्फर होता है उसका इंग्लिश लिखिएगा. ऐसे ही आप इसको आसानी से बना सकते हैं. दो चार आपको समझा दिए, क्योंकि इसमें लॉजिक लगा हुआ है. ठीक, अगला नहीं है आपका होमवर्क. क्लास 1 से 8 तक का इतना ही था. आई होप माई ओल्ड गेट स्टूडेंट आर अंडरस्टैंड. एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड गिव मी कमेंट बॉक्स. गिव मी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई होप नेक्स्ट डे. बाय, टेक केयर.